हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग की चाय हो रही है। 9:30 बज गए हैं। बेटी स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड ऑफिस गए, सब अपना अपना टिफिन ले गए और मैं अभी चाय पी रही हूँ और साथ में पार्ले जी बिस्किट खा रही हूँ। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सब्जी मंडी में बैठी हुई हूँ। दिखाती हूँ आपको, सारी सब्जियाँ मुझे साफ करनी है। 2 दिन से सर्दी जुकाम के चक्कर में मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तो पूरा फ्रिज ही खाली कर दिया। ये भी इसको आज साफ करूँगी। इसको करना है, फ्रिज भी साफ करना है। ब्लॉगिंग एडिटिंग सब में बहुत टाइम जाता है, तो 2-3 दिन का काम पेंडिंग हो ही जाता है। तो मैं एक दिन फिर किसी दिन एक दिन निकालती हूँ उसके लिए कि जितने भी पेंडिंग काम है सारे मेरे मैं एक दिन में कर लूँ, जिससे 2-3 दिन फिर फ्री हो जाऊँ। मेरे पास एक लड़की थी जो सब्जी वगैरह काटती थी। मैंने शायद 10-12 साल से सब्जी नहीं काटी थी और फिर अभी 1-2 महीने से मेरे को सब्जियाँ काटनी पड़ रही है। लेकिन लड़कियाँ ऐसी रहती ना, उनकी मैरिज हो गई तो फिर वो अपने ससुराल चली गई, तो फिर तो उनको काम छोड़ना ही पड़ता है। अभी साफ हो गई। सबसे बड़ा टास्क बचा है वो है मेथी साफ करना। देखा आपने, मेथी साफ करना सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए तो है। अच्छा सच सच बताना, कौन कौन एग्री है मेरे साथ, मेथी साफ करना सबसे बड़ा टास्क है? कमेंट में जरूर बताना कि किसको बहुत मुश्किल होती है मेथी साफ करने को। मुझे तो बाबा ने सारी सब्जी काट ली लेकिन मेथी भी मैंने छोड़ दी। कोई भी काम अगर हम सोचेंगे बहुत बड़ा है तो शायद जल्दी नहीं होता, लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि ये काम हम कर लेंगे फटाफट तो जल्दी हो जाता है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं ये मेथी से चुटकियों में अभी करती हूँ। टास्क इज डन, मैंने मेथी साफ कर ली। ये ब्यूटी ब्लेंड है, कितने गंदे हो गए हैं मेकअप कर करके, तो आज मैं इसको वॉश करूँगी। ये भी मेरा एक पेंडिंग काम था, तो इसको मैं आज कैसे वॉश करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसा एक बर्तन ले लेंगे, इसमें पानी भर लेंगे और थोड़ा सा शैम्पू डालेंगे जो अपन हेयर वॉश करते हैं जिस शैम्पू से, क्योंकि इसको सर्फ या साबुन वगैरह रिन साबुन से ही सबसे नहीं धोइए कभी भी, नहीं तो ये अपने ब्यूटी ब्लेंड ख़राब हो जाते हैं। इसमें शैम्पू डाला है, ये डब वाला, इसे इसमें मैंने 1 या 2 पंप किया है और इसको ऐसा करके ये ब्यूटी ब्लेंड को इसे डाल देंगे और थोड़ा देर इसको पानी में इसे डुबो डुबो करके 1-2 बार इसको पानी इसके अंदर चला जाए ऐसा डुबो देंगे। हाथ में जो दाग दिख रहा है ये मैं कुकर से जल गई थी परसों के दिन। किचन में काम करते रहो, थोड़ा बहुत तो चलता है। 15-20 मिनट के लिए इसे पड़ा रहने देंगे। फिर 10-15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ये पूरा जितना अपना मेकअप का प्रोडक्ट लगा था वो सब इसमें पानी में निकल गया। इसको पानी के नीचे ऐसे दबा दबा कर अच्छे से धो लेंगे। इसको नल के नीचे से ऐसे हटा कर देखिए तो इसमें से शैम्पू अभी निकल रहा है, मतलब इसको अभी और धोने की जरूरत है। तो देखते जाएंगे शैम्पू बिल्कुल अंदर से नहीं, साफ पानी निकलना चाहिए, शैम्पू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए अब साफ पानी निकलने लगा, तो पानी निकाल करके धूप में बाहर सूखने को रख दूंगी। ये कितने साफ हो गए, कितने गंदे थे। अच्छी तेज़ धूप है, इस धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। ये भी साफ हो गया, ये भी पेंडिंग काम था। इसको भी धूप में रखते हैं जिससे अच्छे से सूख जाए।